हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वप्निल करंट अफेयर हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के बारे में। जितने भी गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है उसमें कोडिंग डिकोडिंग जो है ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 अलग अलग टाइप के कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट होती है। हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइप 1, जो इसी श्रृंखला का पार्ट 1 होगा। तो यहाँ से हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बस उससे पहले एक छोटी सी बात, आपको कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने के पहले जो है जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको ए से लेके जेड तक जो है एबीसीडी लिख लेना है और उसको नंबरिंग दे देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से आपको जो है, मैंने एम तक लिखा हुआ हूं, एम यानी 13, और एम के जस्ट अपोजिट में आपको जेड दिख रहा होगा यानी 26, तो उससे मुझे क्या है याद रखने में थोड़ी आसानी जाती है। ठीक है, तो आपको ए से लेके जेड तक जो है एबीसीडी लिख लेना है और उसको नंबरिंग दे देना है, तभी आपके जो क्वेश्चन है वो जल्द से जल्द हल होंगे। ठीक है, आपको जो है 10 से 15 सेकंड लग जाएंगे अगर आप एबीसीडी लिख लोगे। अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो 15 से 20 सेकंड में आप लिख लोगे एबीसीडी और नंबरिंग दे देना है। ठीक है, हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाईवे को HJIHZBX लिखा जाता है तो उसी भाषा में सिंबल्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। आपके पास में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ABCD। तो अगर आपने एपीसीडी लिख लिए हो तो यहाँ पे आपको जो है ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है क्वेश्चन को इस तरीके से आप लिख भी सकते हो। ठीक है, HIGHWANY। अभी यहाँ पे आप ये देख पा रहे कि ये जो टोटल अल्फाबेट्स है वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो यहाँ पे जो है ये मिडल वाला जो है यहाँ पे इसको आपको राउंड कर लेना है, ऊपर के 3 को अलग कर देना है, नीचे के 3 को अलग कर देना है। क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक तो 7 दिए जाएंगे ऑड में या फिर 9 नंबर दिए जाएंगे। 9 अगर दिए जाएंगे तो ऊपर के 4 अलग हो जाएंगे, नीचे के 4 यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे, बीच वाला एक अपना सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे जो है इसका जो कोड यहाँ पे क्या लिखा गया, इनके कोड्स क्या दिए गए आपको, इनके कोड दिए गए एच का, इसने एच ही दिया हुआ है, जे दिया हुआ है, यहाँ पे आई दिया हुआ है, और उसके बाद में इसने एच ही दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि H का कोड यहाँ पे H ही दिया है, यहाँ पे भी H का कोड H दिया हुआ है, बट I का कोड यहाँ पे J दिया हुआ है। यानी I अगर आप देखोगे तो I के बाद में J दिया रखा है। ठीक है, G की अगर बात करेंगे तो G के बाद में इसने एक छोड़ के I दिया हुआ है। तो ऐसे आप इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने ऐसा क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हो इस तरीके से क्रॉस किया हुआ है इस तरीके से, और ये ऐसे इसने डायग्राम बना दिया है। ठीक है, आई के बाद में जे लिया है, यानी यहाँ पे +1 इसने अल्फाबेट आगे वाला ले लिया है। जी के बाद में एच लिया है, जी के बाद में एच, यानी यहाँ पे भी इसने जी के बाद +1 की कर दिया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एच के बाद में इसने आई लिया है, तो एच के बाद में आई भी यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये सेम यहाँ पे ये दोहराएगा इस तरीके से। ठीक है, वाई के बाद में क्या देगा, ये वाई के बाद में ऑब्वियसली जेड ही देगा। डब्ल्यू के बाद में ये क्या देने वाला है, तो डब्ल्यू के बाद में यहाँ पे ये एक्स देने वाला है, और ए के बाद में क्या देगा, ये बी देगा, क्योंकि यहाँ पे ये ++ हो रहा है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमारी सीरीज बन रही है, और एच को इसने एज इट इज लिख चुका है ये। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये जो कोड आपको या ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो इसको भी आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ये भी 7 ही है, तो ये 7 होने की वजह से जो हमारा जो है बीच वाला है इसका जो आंसर तो बी ही आने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर बी आने वाला है। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, एम के नेक्स्ट क्या आएगा, एम के बाद क्या आता है, एम के बाद में आता है एन, तो यहाँ पे आपको एन लिख देना है। एस के बाद में क्या आता है, तो एस के बाद में आ जाता है डी, और वाई के बाद में क्या आता है, तो वाई के बाद में आ जाता है जेड। तो एन जेड टी बी, आपको देखना है कि एन जेड टी बी कहाँ पे है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, ए है। ठीक है, नीचे वाले को सॉल्व करने की यहाँ पे हमको जरूरत नहीं पड़ रही है, बट इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे ये आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर ये आपको आता है तो इससे भी फास्ट आपको एग्जामिनेशन में करना होगा। ठीक है, तो एस के बाद में क्या आता है, तो एस के बाद में आ जाता है टी, ओ के बाद में आ जाता है पी, और एल के बाद में आ जाता है आपका एम। तो इसी तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ये टाइप के अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो आपको एबीसीडी लिखना ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है, देन को लिखा गया है VFGL। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे TH E N N, इसको क्या लिखा गया है, इन्होंने क्या लिख दी, इसको VFG और L इन्होंने लिख दी है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने लिखे है तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये कितना डिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि ज्यादा करके जो ये क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है नंबर्स जो है जो अल्फाबेट्स दिए गए उनमें कितने डिस्टेंस कितना दिया गया है। ठीक है, तो टी के बाद में वी आता है, आप देख पा रहे होंगे टी के बाद में वी आता है, तो एक का गैप दे दिया, यानी यहाँ पे +1
के बाद में उसने दे रखा है। H और F के बीच में, H और F के बीच में इसने माइनस किया यानी बीच में एक छोड़ दिया यानी यहाँ पे इसने माइनस वन करने के बाद वाला लिया है। ठीक है, E और G हम लोग देखेंगे तो E और G के बीच में अगर आप देखोगे तो एक का छोड़ा यानी यहाँ पे इसने यहाँ पे फिर से इसने प्लस वन कर दिया है। और N L की अगर बात करेंगे तो N और L की बात करेंगे तो ये फिर से ये माइनस गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये प्लस वन करता है फिर माइनस वन करता है फिर प्लस वन करता है फिर माइनस करता है। तो उसी तरीके से हम लोग को W O R और D इसको भी हमको उसी तरीके से करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो W के बाद में एक छोड़ देंगे और Y ले लेंगे। उसके बाद में O के हम लोग एक छोड़ के पीछे जाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। इसके बाद में R के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक छोड़ के आगे चले जाएंगे तो R के बाद एक छोड़ के आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। और D के केस में हम लोग क्या करेंगे, एक छोड़ के पीछे चले जाएंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो YMTB आपको दिख रहा होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। जो भी डिस्टेंस होता है आपको डिस्टेंस देखना है, अगर वहां पे अगर ऑड में दिखता है आपको 7 या 9 अगर दिखता है या अगर आपको 5 भी दिखता है तो आपको जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था जिस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया तो वो भी आपको लॉजिक वहां पे लगा के देखना है। तो ये हमारा टाइप 1 है। और एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं नंबर 3। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें लिखा गया है यूनाइटेड, तो आपको भी क्या करना होगा, यूनाइटेड लिख देना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे UNIDENT। ठीक है, और इसके आगे इसका जो भी कोड है वो आपको लिख देना है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा मैं, आपको उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको आगे लिख देंगे जो भी है ये, और आपको जो है कोड पता करना है DISOWN का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यूनाइटेड को उसने कोड जो दे रखा है तो यहाँ पे यू के बाद में एस, तो यू के बाद में एस आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे माइनस हो चुका है तो ये माइनस वन हो चुका है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये इसके जो संख्या है वो इवन में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर ये 7 होते तो हम लोग क्या करते, 3-3 के इसको ग्रुप में बांट देते और उस तरीके से सॉल्व करने की इसको कोशिश किए रहते, पर यहाँ पे ये 6 है तो हम लोग इसको सिंपली डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो U और S के बीच में माइनस वन दिया है, N और L के बीच में यहाँ पे इसने फिर से क्या कर दिया है, माइनस वन कर दिया है। उसी तरीके से I और G में भी हम लोग देखेंगे तो माइनस वन यहाँ पे भी चल रहा है ये, T और R में भी ये माइनस चल रहा है, और E और C की बात करेंगे तो यहाँ पे भी ये माइनस वन चल रहा है, और D और B की बात भी करेंगे तो ये माइनस वन। तो ये सिंपल था, तो D के बाद में आपको एक छोड़ के तो इसका जो सीरीज में आएगा तो ये बी सीरीज का आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग को माइनस वन जाके वो अल्फाबेट ले लेना है। उस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो BGQ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, इसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा M, तो यहाँ पे इसका आपका आंसर निकल जाएगा A। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका A। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं। नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना है। आप अपने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ट्रिपल को SQHOOKD लिखा जाता है तो डिस्पोज को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट तो जरूर करिए कि इसका जो है टाइप 2 वीडियो आप देखना चाहते हो, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, आप किस टाइप के रीजनिंग के वीडियो देखना चाहते हो। मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।